क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैट्रिक्स दी हुई है हमें, ए 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 0। और इस मैट्रिक्स ए के देने के बाद हमें कह रहा है क्वेश्चन कि प्रूव दैट आई प्लस ए, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल, प्रूव करना है हमें आई माइनस ए इन टू में एक मैट्रिक्स दे दी हमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा, हमें ये प्रूव करना है। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आई प्लस ए इनको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी, और जो ये राइट हैंड साइड में जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स प्रूव करेगी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो इसको देखते ही मुझे एक शायरी याद आ गई दोस्तों, मैं आपको सुना देता हूँ। क्या कहता है कि चाहे जितना जोड़ घटाव गुणा भाग कर लो, अंत में सब बराबर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में करना है, सुनिए ध्यान से, चाहे जितना जोड़ गुणा घटाव कर लो, अंत में सब बराबर हो जाएगा। ये जीवन का गणित है दोस्तों, ये जीवन का गणित है दोस्तों, इतनी सरलता से समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों जो जीवन का गणित है वो समझ नहीं आएगा, लेकिन ये मैथ्स इजी है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है आई प्लस ए, तो आई मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1 प्लस ए, ए मतलब जो ये मैट्रिक्स गिवन है आपको यही। तो यहाँ लिखा 0 -10 अल्फा अपॉन 2, ये 10 अल्फा अपॉन 2 और ये 0, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे दोस्तों। प्लस कर देंगे क्या बनेगा, 1 प्लस 0 1 0 प्लस ये, तो ये क्या बनेगा देखो, माइनस का 10 अल्फा अपॉन 2 ही बनेगा, ठीक है। 0 प्लस ये क्या बनेगा, 10 अल्फा अपॉन 2, फिर 1 प्लस 0 क्या बनेगा, 1। तो दोस्तों ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड क्या थी, आई माइनस ए इंटू में एक मैट्रिक्स थी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा इन, और यहाँ है कोस अल्फा। तो ये आपका राइट हैंड साइड था, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आई माइनस ए, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स जो आपको दी हुई थी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई माइनस ए बनेगा आपका 1, और इधर बनेगा आपका 10 अल्फा अपॉन 2, यहाँ बनेगा 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस का, और यहाँ बनेगा 1, ठीक है। ये बनेगा आपका आई माइनस ए, और ये जो वैल्यू है ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट कैसे है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री लर्न होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोस अल्फा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में ही होता है, देखो 1 -10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से साइन 2 थीटा का भी लगाएंगे। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ अल्फा है और यहाँ क्या है, अल्फा अपॉन 2 है। यहाँ देखो अल्फा की फॉर्म आ रही है, यहाँ आ रही है अल्फा अपॉन 2 की फॉर्म। तो ये दो जो फॉर्म है इनको एंगल सेम करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। माइनस एज इट इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा, यानी कि अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके अब तो सेम ही है, साइन अल्फा का यही फॉर्मूला लगेगा, 2 tan अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। फिर ये कोस अल्फा, कोस अल्फा का वापस यही फॉर्मूला लग जाएगा, 1 -10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें लेट कर सकते हैं, लेट कर लो आप 10 अल्फा अपॉन t को 2 को, कुछ लेट कर लो, जैसे मैंने t लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ 10 अल्फा आ रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, t लिख रहा हूँ, अपनी मेहनत को कम करने के लिए। वैसे आप इसका अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ भैया 1 10 अल्फा अपॉन 2 को क्या लिखूँगा, t, तो शॉर्ट हो जाएगा ये 1 t
माइनस टी वन, ठीक है। और राइट साइड में भी ऐसा होगा, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। जहाँ जहाँ टेन अल्फा था वहाँ वहाँ मैंने ये टी लगा दिया। आप देखो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, देखो डिनोमिनेटर में देखो वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, ये सेम आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं भाई, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बाहर, और यहाँ बन जाएगा ये देखो, ये मैट्रिक्स तो सेम रहेगी, वन इंटू टी माइनस टी इंटू वन, सेकेंड मैट्रिक्स बनेगी आपकी वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी, ये बनेगी आपकी टू टी, और ये बनेगी आपकी वन माइनस टी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये इजी सा काम बचा है हमारे पास, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं है। ये मैंने लिख दिया सेम, अब इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बहुत बच्चा कर सकता है कोई भी। तो वन को इसके साथ करेंगे तो यही बनेगा वन माइनस टी स्क्वायर, टी को करेंगे टू टी स्क्वायर टू टी से, तो क्या बन जाएगा ये टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे चलता है, आपको पता ही है, वन को इसके साथ कर दिया, टी को इसके साथ, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो वन को माइनस टू टी से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस टू टी, और टी को इसके साथ करेंगे दोनों के साथ, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ टी को पहले वन के साथ और टी को इसके साथ टी क्यूब के साथ, तो यहाँ बन जाएगा माइनस टी क्यूब, ये बन जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टी को इन दोनों के साथ, तो माइनस टी को जब वन के साथ करेंगे दैट विल बी माइनस टी, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा ये देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा टी इंटू टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा टी क्यूब, फिर वन का होगा टू टी के साथ, तो वन का होगा टू टी के साथ, तो टू टी ही रहेगा। अब देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बनेगा भैया माइनस टी का माइनस टू टी के साथ, तो बनेगा टू टी स्क्वायर, वो भी प्लस का, ठीक है। और वन को इसके साथ करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है, बस देखिए यहाँ कैलकुलेशन मैटर करती है ऐसी मैट्रिक्स में, कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा भैया। देखिए वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर दो क्या बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ देखिए ये माइनस टू टी है, ये प्लस का टी है, तो बन गया माइनस टी क्यूब, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस टी और ये टी क्यूब एज इट इज, ठीक है। यहाँ देखिए ये टू टी है और ये माइनस का टी है, तो क्या बन गया प्लस का टी, और प्लस में क्या टी क्यूब, ठीक है। ये टू टी स्क्वायर है, ये माइनस का टी स्क्वायर, तो वन तो एज इट इज, टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर। बहुत ईजी है, एक स्टेप रह गया बस, सबर रखें आप, एक स्टेप रह गया, वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रह गया, ठीक है। ये वन प्लस टी स्क्वायर सेम, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस भी कॉमन और टी भी कॉमन, तो क्या बच गया वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ भी बच गया टी कॉमन आने के बाद वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये भी आपका वन प्लस टी स्क्वायर, तो देखिए वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर कट जाएगा किसके साथ, बाहर वाले के साथ। जब इस अंदर वन प्लस टी स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे या यहाँ से कॉमन लाओगे तो ये अंदर जाते ही ऊपर नीचे कट जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और ये सारे क्या है न्यूमरेटर में है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ ये कट गया तो यहाँ बच गया वन, यहाँ ये कट गया तो यहाँ बच गया माइनस का टी, ठीक है, माइनस का टी। यहाँ ये कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का टी, यहाँ ये कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का वन। अब भैया आंसर आपका टी में नहीं आना चाहिए, ऊपर ले चलता हूँ आपको। टी की वैल्यू क्या लेट करी हुई थी आपने, टेन अल्फा अपॉन टू, तो जहाँ जहाँ हमारा टी आया है वहाँ वहाँ क्या कर दें, टेन अल्फा अपॉन टी कर दें, तो वन एज इट इज माइनस टी, टी की जगह क्या आ गया टेन अल्फा अपॉन टू, फिर इस टी की जगह क्या आ गया टेन अल्फा अपॉन टू, और इस वन की जगह तो वन ही रहेगा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई, और यही आपकी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं बेटा।